दोस्तों कोर्सेज एंड करियर के एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे UX UI डिजाइन बिल्कुल फ्री में कैसे सीखें। मैंने आप लोगों के लिए तो बेस्ट फ्री कोर्सेज ढूंढ लिया है, जिसमें से एक कोर्स 2 मंथ्स का है जो गूगल के खुद UX UI डिजाइनर्स ने तैयार किया है। ये वीडियो बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि कई लर्निंग रिसोर्सेस और यूजफुल वेबसाइट्स भी बताने वाला हूँ। और हाँ, ये अमेजिंग UX UI डिजाइनर बनने का कंप्लीट रोड मैप भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जिनकी हेल्प से आप एक सेल्फ टॉट प्रोफेशनल UX UI डिजाइनर बन सकती हो, बिना डिग्री के, बिना एक्सपीरियंस के फ्री में सीख सकती हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड में स्टडी नहीं की है और आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल ऐप, वेबसाइट, IT इंडस्ट्री में काम करना पसंद है, तो आपके लिए UX UI डिजाइन एक बेस्ट नॉन टेक फील्ड है। LinkedIn रिपोर्ट के अनुसार UX UI डिजाइन मोस्ट इन डिमांड स्किल्स के लिस्ट में 5 नंबर पे आती है। इसे फ्यूचर डिजाइन का हार्ट भी कहा जा रहा है। आप देख ही रहे हो, लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन हर साल कम हो रहा है। आज के समय में जिन ऐप, वेबसाइट, डिजिटल प्रोडक्ट्स का UX UI डिजाइन बेस्ट नहीं होता है, मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, कस्टमर्स उसे धीरे धीरे यूज करना ही बंद कर देते हैं। इससे बिजनेस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। आज के इस मोबाइल ड्रिवन वर्ल्ड में हर स्टार्टअप, हर टेक कंपनीज के लिए ये नेसेसरी हो गया है कि वो अपने टीम में UX UI डिजाइनर्स रखे। रोज नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, इसीलिए इंडिया में भी UX UI डिजाइन स्किल हॉट स्किल बन चुका है। जॉब भरपूर है और आगे भी रहेगा। इंडिया में UX UI डिजाइनर्स की सैलरी डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स के ऑलमोस्ट बराबर रहती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं UX UI डिजाइन क्या होता है, कैसे आप फ्री में सीख सकते हो, कंप्लीट रोड मैप, फ्री कोर्सेस और यूजफुल वेबसाइट्स के साथ सब कुछ डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक क्विक और बहुत ही यूजफुल अपडेट दे दूं रीलेवल के नए फीचर्स के बारे में। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप रीलेवल के थ्रू बहुत जल्दी इन टॉप 200 प्लस स्टार्टअप्स में अच्छी सैलरी वाला जॉब पा सकते हो। काफी यूनिक और सिंपल प्रोसेस है, बस आपको यहाँ एक टेस्ट देना है। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, नो रेज्यूम रिक्वायर्ड, नो डिग्री क्राइटेरिया। आप बिना एक्सपीरियंस के भी रीलेवल के थ्रू अच्छी सैलरी वाला जॉब पा सकते हो। बस यहाँ पर आपके स्किल्स और नॉलेज मैटर करती है। जैसे आप री लेवल टेस्ट क्लियर कर देते हो तो आप इन टॉप स्टार्टअप्स के थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स को एक्सेस कर पाओगे। ये स्टार्टअप्स नॉन टेक रोल्स पर गारंटीड मिनिमम 4 लाख पर एनम और टेक रोल्स पर 6 LPA का सैलरी पैकेज ऑफर करती हैं। करेंटली अभी री लेवल पर आप फ्रंट एंड, बैक एंड वेब डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, अब तो आप एनालिटिक्स रिलेटेड भी कई जॉब रोल्स पर टेस्ट दे सकते हो। री लेवल का एंड्रॉइड और iOS ऐप भी आ चुका है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब आप ऐप के थ्रू भी टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको टेस्ट और जॉब्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ऐप में लाइव चैट्स के थ्रू इंस्टेंट हेल्प ले सकते हो। और एक और अच्छी बात यह है दोस्तों, जो लोग टेस्ट में अच्छे स्कोर करके टॉप करते हैं उन्हें आईफोन, मैकबुक जैसे रिवॉर्ड्स में मिलते हैं। अपने स्किल्स और नॉलेज के दम पर एक अच्छा और जल्दी जॉब पाने के लिए सच में रीलेवल काफी अच्छा फ्री प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट, तो दोस्तों अब एक्सप्लोर करते हैं UX UI डिजाइन को। ये दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। UX डिजाइन यानी यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह कस्टमर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है। क्या प्रोडक्ट इजी टू लर्न, इजी टू यूज, इंजॉयबल और कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि नहीं। UX डिजाइनर्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। मार्केट रिसर्च के थ्रू नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट लाते हैं और यूजर्स के प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन प्लान एंड डिजाइन करते हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कन्फर्म, एग्री या ओके का बटन हमेशा राइट साइड में रहता है, जबकि कैंसल का बटन हमेशा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर है। यूजर्स राइट साइड वाले बटन पर ज्यादा क्लिक करते हैं। एक और गुड एंड बैड UX डिजाइन का एग्जांपल देखिए। एज अ यूजर जब आप सेव के बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लोडिंग का एनिमेशन चल रहा है, तो इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि हाँ, मैंने बटन प्रेस कर दिया है और सेविंग प्रोसेस चल रहा है। जबकि दूसरे बटन को देखिए, यहाँ पर प्रेस करते ही कोई भी एनिमेशन नहीं डाला गया है, तो इससे आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ सकती है कि क्लिक हुआ भी है कि नहीं हुआ है। वैसे ही विंडोज 11 को देख लो, इसका UI तो बहुत अच्छा कर दिया है मैकबुक से मिलता जुलता, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ही हटा दिया है। अब इसके वजह से मेरा ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि वीडियो एडिट करते समय मैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, इससे मेरा टाइम काफी सेव होता है। ये तो मैंने कुछ छोटे छोटे UX डिजाइन्स के एग्जांपल्स दिया हूँ। UX डिजाइनर्स कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया UX डिजाइन। अब UI डिजाइन में यूजर इंटरफेस डिजाइन किया जाता है। यूजर इंटरफेस का मतलब ग्राफिकल लेआउट,
किसी भी ऐप या वेबसाइट का। एग्जाम्पल, आप रोज कोई मोबाइल ऐप यूज करती हो तो उसमें जो भी आइकन, टेक्स्ट एंट्री फील्ड, स्लाइड, इमेज लेआउट, क्लिक बटन, कोई भी ट्रांजिशन, एनिमेशन, कलर क्या रहेगा, फ्रंट का बटन एंड स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये सब काफी सुंदर तरीके से UI डिजाइनर्स के द्वारा डिजाइन करके एक ग्रेट लुक फील वाला एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस तैयार किया जाता है। UI डिजाइनर्स ग्राफिक डिजाइनर्स ही होते हैं, बस उनका डिजाइन एरिया स्पेसिफिक होता है। वो यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ऐप या वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन करते हैं। आपने ये लाइन पढ़ा होगा, इफ ग्राफिक डिजाइन इज आर्ट देन यूजर इंटरफेस डिजाइन इज साइंस, ग्रेट ग्राफिक डिजाइन एप्पल बट ग्रेट UI डिजाइन इज गूगल। इस लाइन से आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्राफिक डिजाइनर्स वीएस UI डिजाइनर्स। अब सवाल ये उठता है कि जब UX और UI दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है तो क्यों कुछ जॉब ओपनिंग में UX/UI डिजाइनर्स रिक्वायर्ड ऐसा क्यों लिखते हैं? तो ऐसा वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट को सर्च कर रहे होते हैं जो ये दोनों वर्क कर सकता हो। बहुत सारे लोग ये दोनों काम सीख जाते हैं। आप भी UX और UI डिजाइन दोनों सीख सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं UX/UI डिजाइनर कैसे बने। इंडिया में ऐसे हजारों सक्सेसफुल सेल्फ टॉट UX/UI डिजाइनर्स हैं और आपको कई लोगों के एग्जांपल्स में मिल जाएंगे जो अकाउंटेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, अदर डोमेन से शिफ्ट होकर खुद से ऑनलाइन UX/UI डिजाइन सीखकर आज इस फील्ड में फुल टाइम काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिनके पास पैसे और टाइम कम है बट एक बर्निंग डिजायर है इस फील्ड में आने का, एक सक्सेसफुल UX/UI डिजाइनर बनने का, तो उनके लिए ऑनलाइन ही सीखना सबसे बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें नए नए ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं और कोई भी नई डेवलपमेंट आई तो आपको उससे अपडेटेड रहना पड़ता है। देखो, अगर आप 10th या 12th में हो, ये वीडियो देख रहे हो और आपका फुल पैशन है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, UX/UI फील्ड में आना, तो आप डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये वो कॉलेजेस हैं जो डिग्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप शॉर्ट टर्म ऑफलाइन डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो। बट अगर आपके पास इतना पैसा और टाइम नहीं है एक सेल्फ टॉट UX/UI डिजाइनर बनने का करेज रखते हो, तो अब मैं आपको वो रोड मैप शेयर करने जा रहा हूँ जो इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है। इस रोड मैप को हर चीज को ध्यान में रखते हुए एंडी चैन ने तैयार किया है, जो एक सेल्फ टॉट सक्सेसफुल UX/UI डिजाइनर है। ओके, तो आप देख सकते हो ये है वो रोड मैप, द सेल्फ टॉट UX/UI डिजाइनर रोड मैप इन 2021। इस रोड मैप का लिंक आपको एब्जर्ट फैट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस रोड मैप को पढ़कर इस फील्ड में जाने से पहले कैंडी ने कुछ 5 जरूरी कैवियट्स लिखे हुए हैं। कैवियट्स मतलब चेतावनी, तो उसमें से चलिए मैं आपको 3 सबसे जरूरी बताता हूँ। नंबर 1, आप इस फील्ड में जॉब के दौरान ज्यादा सीखते हो, इसीलिए सेल्फ लर्निंग के थ्रू जो भी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, टूल सीखोगे उसे प्रैक्टिकली खूब अप्लाई करो, खूब प्रैक्टिस करो। आगे मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए 2 कमाल की वेबसाइट्स कौन सी है। नंबर 2, यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग। इस फील्ड में यूज होने वाले सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं सीखने आपको, ना ही सारे डिजाइन गाइडलाइन रटना है, मेमोराइज करना है। आपको तो सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि सीखते कैसे हैं और ऑल UX/UI डिजाइन के सभी चीजों पर अपनी क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन करनी होगी। क्योंकि आज आपको कोई नया डिजाइन स्टाइल, नया ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है अगले 1-2 महीनों में ही वो ट्रेंड बिल्कुल डेड हो जाए। इस फील्ड में ऐसा भी होता है, इसीलिए अपनी क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन रखो। नंबर 3, नेवर स्टॉप लर्निंग। 10 साल पहले UX/UI डिजाइन में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की कोई परवाह नहीं करता था, बट आज AR/VR पर काम करने वाले UX/UI डिजाइनर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए इस फील्ड में हमेशा अपने आप को मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपडेट रखना होगा, हमेशा सीखते रहना होगा। ऑलराइट, सो इस रोड मैप को आप 2 स्टेप्स में फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, सबसे पहले आपको UX/UI का फंडामेंटल सीखना है, तो इसके अंदर डिजाइन थ्योरी, डिजाइन साइकोलॉजी, प्रोडक्ट डिजाइन के फंडामेंटल सीखना होगा। डिजाइन थ्योरी के अंदर कलर, शेप, फॉर्म, टाइपोग्राफी, इनके पीछे की जो टर्मिनोलॉजी है, डिजाइन साइकोलॉजी है, उसको सीखना होगा। देखिए, हर चीज डायग्राम के साथ डिटेल में लिखी हुई है, आप इजिली समझ जाएंगे। और प्रोडक्ट डिजाइन में डिजाइन स्प्रिंट, एम्पथाइजिंग विथ यूजर, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग, ये सब सीखना है। तो स्टेप 1 में UX/UI के सभी फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, इसके लिए मैं अभी फ्री कोर्सेज बताऊंगा। स्टेप 2, अब आपको प्रैक्टिकली UX/UI स्किल सीखना है जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आप UX/UI दोनों सीखते हो तो आपके पास ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। और एज पर डैनी रोड मैप, आपको सबसे पहले UX डिजाइन से स्टार्ट करना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना सीखोगे तभी तो उसी के अकॉर्डिंग आप यूजर इंटरफेस डिजाइन कर पाओगे। ओके, तो आप देख सकते हो UX डिजाइन स्किल में आपको ये सब सीखना है, गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजी,
यूएक्स रिसर्च कैसे करना होता है, ये कोर जॉब स्कोप होता है एक यूएक्स डिजाइनर का। डॉक्यूमेंट यूएक्स रिसर्च और यूएक्स टूल्स जैसे माइक्रो, फ्लो मैप, फ्लैक्टिका एक्सेट्रा, ये टूल्स यूएक्स डिजाइनर अपने काम के दौरान यूज करते हैं। ये टूल्स यूजर डेटा को विजुलाइज करके समझने में हेल्प करती है। ओके, सो अब यूएक्स डिजाइन सीखने के बाद अब आपको यूआई डिजाइन सीखना है। जैसा आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको यूआई डिजाइन गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल्स, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, बिल्डिंग अ डिजाइन सिस्टम। वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूआई डिजाइनर्स फिग्मा, स्केच, एडोबी एक्सडी जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। आप इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, सभी सॉफ्टवेयर्स ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली थिंग मैटर इज योर आउटपुट, आपकी क्रिएटिविटी। क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमें स्केच, फिग्मा या एडोबी एक्सडी में डिजाइन करके दो, उसे तो सिर्फ आपके आउटपुट से मतलब है। फिग्मा अभी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, ये एक कोलैबोरेटिव डिजाइन टूल है। आपका सभी डिजाइन ऑनलाइन सेव रहता है, कई लोग लाइव देख सकते हैं आपके डिजाइन को, कमेंट कर सकते हैं, आपके डिजाइन में हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आप लोग के मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि ग्रेट, हमें तो पता चल गया कि कहां से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीखना है, लेकिन भाई ये तो बताओ कि इन्हें फ्री में कैसे सीखें। तो देखो, इस रोड मैप के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आप सब कुछ फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो, और वो भी अलग अलग मेंटर से। इसके साथ साथ यूडासिटी का ये फ्री कोर्स कर सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइन बाय गूगल, 2 मंथ का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। लेसन 1 में आइडिएशन एंड वैलिडेशन के क्लास रहेंगे, लेसन 2 में यूएक्स यूआई डिजाइंस के फंडामेंटल के क्लास रहेंगे, लेसन 3 में डिजाइन स्प्रिंट और लेसन 4 में की मैट्रिक्स के क्लासेस रहेंगे। ये कोर्स आपके काफी हेल्प करेगा, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, नो प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड। इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट हाँ, इस पूरे कोर्स कंटेंट को आप एक्सेस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में सीखना पसंद है, और वो खूब कमेंट करते हैं कि सर कोई हिंदी में कोर्स लाइए। तो इसी को देखते हुए मैं इंडिया के कई टॉप कंपनीज, स्टार्टअप्स में काम करने वाले यूएक्स यूआई डिजाइनर्स से कॉन्टेक्ट किया जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और उन लोगों से यूएक्स यूआई डिजाइन का कंप्लीट कोर्स हिंदी लैंग्वेज में बनवा रहा हूँ। जैसे वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, तो उस कोर्स का लिंक इस वीडियो में अपडेट कर दूंगा। ऑलराइट, तो दोस्तों, जब आप यूएक्स यूआई डिजाइन सीख जाओ तो जॉब के लिए अपना सीवी शेयर करने से पहले आपके पास अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपके जो भी अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, प्रोजेक्ट्स के वर्क सैंपल, उन सबको शोकेस करना होगा अपने पोर्टफोलियो में। Behance, Dribbble, Adobe Portfolio, ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना एक सुंदर सा पोर्टफोलियो बना सकते हो। ऑलमोस्ट हर UX UI डिजाइनर के पास अपना पोर्टफोलियो होता है, तो आप उनके पोर्टफोलियो को देख सकते हो कि कैसे वो लोग अपना वर्क शोकेस किए हुए हैं, उनसे आइडिया ले सकते हो, उनके डिजाइन को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप LinkedIn पर भी कई UX UI डिजाइनर से कनेक्ट हो सकते हो, अपने डिजाइन शेयर करके एज अ मेंटर गाइड एंड टिप्स ले सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको दो वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नंबर 1, uplabs.com, यहाँ से आप रीडिजाइन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ऐसे सैकड़ों डिजाइन चैलेंजेस चलते रहते हैं, अगर आप किसी में भी जीत गए तो आपको प्राइजेस में मिलेंगे। नंबर 2, uxtools.co/challenges, ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर बहुत सारे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस डाले जाते हैं, यहाँ बहुत सारे क्यू कार्ड्स होते हैं अलग अलग डिजाइन टॉपिक पर। ये डिजाइन चैलेंजेस छोटे छोटे स्टेप्स में बटे होते हैं, इसमें ट्यूटोरियल्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने डिजाइन के थ्रू। बेस्ट चीज ये है कि हर चैलेंजेस के लिए सभी डेटा और रियल एग्जांपल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से आप ये डिजाइन चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इस रोड मैप को पढ़ोगे और फॉलो करके टॉपिक बाय टॉपिक सीखते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। एक बात और, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी कंफ्यूज होंगे कि मैं इस फील्ड में जाऊं कि नहीं जाऊं, तो एक काम करो, आप यूट्यूब में जाओ और सर्च करो अ डे इन द लाइफ ऑफ यूएक्स यूआई डिजाइनर, 4-5 वीडियोस देखो, आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जितने भी वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, फ्री कोर्सेज बताए हैं, सबका लिंक आपको एब्जर्ट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और नए एक्साइटिंग एंड मोस्ट यूजफुल वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।